हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीटीसी इंडिया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, टेक्निकली बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इस स्टॉक के ऊपर जो भी न्यूज़ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीटीसी इंडिया शेयर के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे तो पीटीसी इंडिया के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक मॉर्निंग से ही आपको अपर सर्किट में ही ओपन हुआ था और कंटिन्यूसली लास्ट तक टाइम तक स्टॉक में अपर सर्किट ही लगा रहा है, कहीं पे भी सर्किट आपको ओपन नहीं हुआ। और आखिर इस स्टॉक में अपर सर्किट के पीछे का वजह क्या है, तो यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं इसके पीछे का असली वजह। तो यहाँ पे जो है आपको पीटीसी इंडिया में एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन फोर कंपनीज के द्वारा जो है आपको 16% का स्टेक जो है वो सेल किया जाएगा। क्योंकि एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन चारों कंपनी के पास पीटीसी इंडिया के 4% स्टेक है और कंपनीज जो है वो यहाँ पे अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पे जो है अभी रिसेंट टाइम में काफी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने आपको इस कंपनी से स्टेप डाउन किया था और ये एलिगेशन लगाया गया था जो कंपनी में जो है आपको मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और इसके साथ ही आपको पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएफएस के नाम से जो शेयर लिस्टेड है वहां पे भी उन्होंने मिसमैनेजमेंट का जो है आपको आरोप लगाया था और काफी सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रिसेंट टाइम में उन्होंने स्टेप डाउन किया है। इसके बाद से ही जो है यहाँ पे आपको एनटीपीसी जो है आपको अपने स्टेक सेल कर रही है और एनटीपीसी का ओवरऑल प्लान है जो जितने भी उनके ज्वाइंट वेंचर्स हैं या फिर जितने भी वहाँ एज ए प्रमोटर वो आपको कंपनी में पार्टिसिपेट कर रही है, धीरे धीरे वो अपने फंड को कलेक्ट करके और किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रही। तो इसी वजह से जो है आपको इन चारों कंपनी के द्वारा यहाँ पे अपने स्टेक को डाइल्यूट किया जाएगा। और जो यहाँ पे आपको एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ पे अडानी ग्रुप इंटरेस्टेड है पीटीसी इंडिया के टेक ओवर के लिए, तो यहाँ पे जो है आपको एक न्यूज ये भी है जो जितने भी स्टेक सेल होंगे वहां पे अडानी ग्रुप इंटरेस्टेड है और इसी वजह से अडानी ग्रुप के नाम आने की वजह से ही जो है यहाँ पे आपको पीटीसी इंडिया में हम लोगों को एक जबरदस्त अपर सर्किट देखने को मिला। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पीटीसी इंडिया के चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे पीटीसी इंडिया के चार्ट्स में, तो डेली चार्ट हम लोगों के सामने ओपन है। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो आज आपको यहाँ पे सर्किट में ही स्टॉक ओपन हुआ था और सर्किट में ही स्टॉक क्लोज हुआ है, प्रीवियस स्विंग है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा फॉल हो रहा था, बाउंस बैक आया था, वापस से स्टॉक में रिट्रेसमेंट आया था, अगेन प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक जो है यहाँ पे आज आपको क्लोज हुआ है, ओपन भी हुआ है और साथ ही साथ क्लोज हुआ है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस अगर इस स्टॉक में हम लोग बात करेंगे तो इमीडिएट जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो 92 और फिर 95 का लेवल होने वाला है। तो 92 से 95 के लेवल में इस स्टॉक के पास एक अच्छा रेसिस्टेंस है और स्टॉक काफी टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, डाउन साइड में 70 रुपीज और अप साइड में 90 रुपीज, इस रेंज में जो है काफी टाइम से स्टॉक हम लोगों को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इस स्टॉक को हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे यानी मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर क्लियरली आपको दिखेगा जो स्टॉक जो है यहाँ पे आपको बड़े टाइम फ्रेम में एक चैनल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अपर टाइम फ्रेम में 125 से 150, मंथली चार्ट पे 125 से 150 और डाउन साइड में अगर बात करेंगे तो 35 का लेवल, 35 का लेवल डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट है और अप साइड में 125 से 150 ये एक जोन है जहां पे कि स्टॉक को एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम स्टॉक इस चैनल पैटर्न में ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था 2008 में और 2008 के जनवरी मंथ से स्टॉक इसी चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, अभी तक यहां पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है।
अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो करंटली स्टॉक जो है आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कि डाउन साइड 70 रुपीज पे सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड जो है वो आपको 95 रुपीज पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे आपको स्विच करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट के ऊपर क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक एक अच्छे रेसिस्टेंस में है। अगर यहाँ पे आपको 100 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 150 के लेवल तक जो है स्टॉक इजीली अपसाइड आपको जा सकता है। तो इस स्टॉक में जो है आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा अगर स्टॉक 100 के लेवल को क्रॉस करता है। अगर स्टॉक 100 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो स्टॉक ऑलरेडी जो है आपको एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और इन बिटवीन में अभी है, तो बेटर होगा अभी हम लोग यहाँ पे वेट ही करें। डिविडेंड के पर्पज से अगर आप लेना चाहते हैं तो डिविडेंड इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ नहीं है। क्योंकि अगर इस कंपनी के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने आपको 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर बात करेंगे लास्ट 5 ईयर में तो स्टॉक ने तकरीबन 27% का नेगेटिव रिटर्न लास्ट 5 ईयर में दिया है। और मैक्सिमम रिटर्न अगर इस स्टॉक की हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम इस स्टॉक ने आपको, अगर आप 2004-05 से भी इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में, तो आपको 100% का ही ओनली रिटर्न मिला है। तो इस स्टॉक में ज़्यादा बड़ा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला है। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड जरूर देती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ईयरली जो है आपको पर शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 to 10 rupees के अराउंड में जो है डिविडेंड मिल जाता है। तो 6 to 7% या फिर कभी कभी 10% तक का भी आपको डिविडेंड मिल सकता है। और ऑन एन एवरेज 5 to 6% का डिविडेंड जो है इस कंपनी में आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए आप इस स्टॉक के दूसरे आपको पीएफएस के ऊपर बात करते हैं, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आज इस स्टॉक में भी अपर सर्किट ही देखने को मिला। और मंथली चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो स्टॉक आपको एक काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में जब तक 24 रुपीज का लेवल ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे हम लोगों को फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्टॉक में वेट होगा 24 रुपीज के लेवल के ऊपर एटलीस्ट वीकली या फिर मंथली कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर और आपको अच्छा है। और डाउन साइड में अगर बात करेंगे तो डाउन साइड में आपका जो एसएल होना चाहिए वो 12 रुपीज पे। तो यहाँ पे 50% के रिस्क के साथ आप पोजीशन बना सकते हैं, दैट टू कि स्टॉक 24 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे। जब तक स्टॉक 24 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप करंट लेवल पे पोजीशन यहाँ पे लेते हैं, 12 रुपीज के लेवल पे लेते हैं तो 17 रुपीज के लेवल पे अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं तो भी आपका एसएल जो है यहाँ पे 12 रुपीज के नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे भी बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी 12 रुपीज जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे अगर 17 रुपीज 50 पैसे के ऊपर इस वीक में स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे 24 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को दोनों ही स्टॉक्स के रिगार्डिंग सभी लेवल्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।